तो आज फिर एक बार आ गया हूं आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके और आप सभी के प्रीसियस टाइम को सेव करने के लिए। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है अपडेट वूकॉमर्स ऑर्डर स्टेटस इन गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। क्या कर रहे हैं हम, वूकॉमर्स पे जैसे ही कोई ऑर्डर अपडेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको हम हमारी गूगल शीट्स में भी अपडेट कर रहे हैं। यूज केस बता देता हूं आपको, मोर हेल्पफुल हो जाएगा समझने के लिए कि मान लीजिए आपका कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं और ऑर्डर्स को भिजवाते हैं, ठीक है। अब आपके पास किसी कस्टमर ने आपके वूकॉमर्स जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप वूकॉमर्स पे आपके पास किसी जो है इंसान ने ऑर्डर किया लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं किए, अब उसने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया या फिर होल्ड पे डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी दूसरी वाली टीम है जो गूगल शीट पे पैक करने वाली आपके ऑर्डर्स को, सामान को डिलीवर करने वाली वो जो टीम है आपकी, वहाँ पे गूगल शीट्स के अंदर बैठी हुई है, वहाँ पे उसको गूगल शीट्स में जो डेटा है कि कौन सा कस्टमर को डेटा सेंड करना है, तो अभी तक तो उसने ऑर्डर कर दिया था लेकिन अभी उसने कैंसिल करा है, ये इन लोगों को नहीं पता है, गूगल शीट्स वालों को जो गूगल शीट से काम कर रहे हैं देख के, है ना, उन लोगों को नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही वूकॉमर्स पे ऑर्डर अपडेट हुआ, उसने जो है होल्ड पे डाला या फिर कैंसिल कर दिया या फिर पेमेंट कर दी, कुछ भी एक्स वाई जेड कर दिया, तो आपको अपडेट करना रहता है किनको, इन लोगों को जो लोग डिलीवर करने वाले हैं उसे, कि भैया ये वाला ऑर्डर होल्ड पे डाल दो या इसको अभी मत भेजना, ये कैंसिल हो गया। तो इन लोगों को आपको जाके गूगल शीट्स में इनकी ऐड करना पड़ता होगा मैनुअली। तो ये मैनुअली जो है आपको वहां से देख के यहां पे ऐड करना पड़ रहा है, ये वाली प्रोसेस मैंने खत्म कर दी है। इस ऑटोमेशन की हेल्प से क्या होगा कि जैसे ही आपकी वूकॉमर्स में कोई ऑर्डर अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है डिटेल्स आपकी गूगल शीट्स के अंदर अपडेट हो जाएंगी। जैसे कि वहां पे प्रोसेस में है अगर ऑर्डर, तो अगर वहां से ऑर्डर होल्ड पे हो गया आपके गूगल शीट्स में जो ऑर्डर प्रोसेस पे है, यहां से अगर वूकॉमर्स पे आके आपके कस्टमर ने उस ऑर्डर को होल्ड पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे प्रोसेस से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किसके अंदर, होल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन हमने सेट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने यूज किया एक सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने ये ऑटोमेशन संभव किया है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये 100 टास्क हमें मंथली के फ्री देता है और अकाउंट वगैरह भी हम इसके अंदर फ्री में बना सकते हैं। और पूरी की पूरी प्रोसेस आपको कैसे ये ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी करके दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pablby.com, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, साइन इन पे क्लिक करने के बाद पेबली कनेक्ट का क्लिक करूँगा, एक्सेस नाउ पे ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके अभी अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूँगा, मैं नाम दे देता हूँ वूकॉमर्स टू गूगल शीट्स, ठीक है, वूकॉमर्स टू गूगल शीट्स मैंने नाम दे दिया। आप जो नाम चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, आपको जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम देने के बाद सामने आ गई दो विंडोज़, ट्रिगर और एक्शन की, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो, एक्शन का मतलब डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे वूकॉमर्स में जब भी हम किसी ऑर्डर को अपडेट करें उसकी उसका जो स्टेटस है उसको अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली एज वेल एज हमारे गूगल शीट्स में भी उसका स्टेटस अपडेट हो जाए। ऐसा करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में हम चूज़ करेंगे वूकॉमर्स को सर्च करके, देन ट्रिगर इवेंट में हम चूज़ करेंगे ऑर्डर अपडेट। ओके, ये रहा ऑर्डर अपडेटेड, ठीक है, इसको चूज़ करेंगे। देन पेबली कनेक्ट ने दिया है वेबुक URL जिसको कॉपी करेंगे, नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे अपने वूकॉमर्स को पेबली कनेक्ट। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वर्डप्रेस में सक्सेसफुली वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड है। ऑर्डर्स पे क्लिक नहीं करते हुए जाऊंगा नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन है एडवांस्ड का, क्लिक करूंगा एडवांस्ड पे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है वेबुक्स का, क्लिक करूंगा वेबुक्स पे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है ऐड वेबुक का, क्लिक करूंगा ऐड वेबुक पे। देन वेबुक को नाम दे दूंगा वूकॉमर्स ऑर्डर अपडेट, ठीक है, मैंने नाम दिया है वूकॉमर्स ऑर्डर अपडेट, आप जो नाम चाहें वो नाम दे सकते हैं। एक्टिव कर देता हूँ उसका स्टेटस, टॉपिक सिलेक्शन में चूज कर लेता हूँ ऑर्डर अपडेटेड,
ठीक है, देन डिलीवरी यूआरएल वाली फील्ड में जो पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबॉक यूआरएल दी थी उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, सिंपल कर दिया। देन आऊँगा नीचे और सेव वेबॉक पे क्लिक कर दूँगा। सेव वेबॉक पे क्लिक करने के बाद जो है वेबॉक सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है और यहाँ पे भी जो है आप वेबॉक आईडी देख पा रहे हैं। क्लिक करूँगा रिकैप्चर वेबॉक पे, यानी यहाँ पे शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबॉक रिस्पांस। ओके, मींस ये वेबॉक यूआरएल के रिस्पांस करने का वेट कर रहा है पैबली कनेक्ट। अब जब भी कोई ऑर्डर अपडेट होगा पैबली कनेक्ट उसकी डिटेल्स तुरंत कैप्चर कर लेगा। तो चलिए चलते हैं वूकॉमर्स में हमारी ऑर्डर्स की जो लिस्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट अपनी ओपन कर ली है, कई सारे ऑर्डर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन नीचे ऑर्डर एक हर्षा यादव का, हर्षा यादव के तीन एक ऑर्डर हैं। ओके, उन्हीं के लिए मैंने यहाँ स्प्रेडशीट बनाई है हर्षा यादव का, जैसे कि ये ऑर्डर है एग्जांपल के लिए ले लीजिए, हर्षा यादव का ये एक ऑर्डर है, ये उनका फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है और ये एक सेकंड, ये उनके ईमेल एड्रेस हैं और ये है उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है। तो ये वाला जो हर्षा यादव का ऑर्डर है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ से अपडेट करूँ, ये जो ऑर्डर है जिसकी ऑर्डर आईडी है 54995 हर्षा यादव, जो प्रोसेसिंग में है ना, और भी ऑर्डर है हर्षा यादव के लेकिन ऑर्डर आईडी अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाली जो ऑर्डर आईडी और ये जो ऑर्डर स्टेटस है, मैं चाहता हूँ कि इसको जब भी मैं यहाँ पे अपडेट करूँ तो ऑटोमेटिकली वो मेरी गूगल शीट्स में भी यहाँ पे भी लिख के अपडेट हो जाए। जैसे कि मैं ऑन होल्ड कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली जो स्टेटस की ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर है हमारा, ये वाला 54995 है ना, ये वाला है प्रोसेसिंग में ये ऑर्डर हमारा। तो इसको मैं चाहता हूँ क्या कर दूँ कि इसको ऑन होल्ड पे कर दूँ, देन ये मेरी स्प्रेडशीट में भी क्या हो जाए, स्टेटस जो है इसका चेंज हो जाए, यहाँ पे ऑन होल्ड लिखा आ जाए। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पहले करूँगा, देन यहाँ पे आके डिटेल्स कैप्चर करूँगा कि वहाँ पे मैं चेंज करता हूँ उसका स्टेटस तो पैबली कनेक्ट उसकी डिटेल्स को कैप्चर करता है या नहीं। सो यहाँ से मैं पहले ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ हर्षा यादव का, ये रहा। ठीक है, देन उसका जो स्टेटस है ना, इसको मैं करता हूँ चेंज स्टेटस ऑन होल्ड। ओके, चेंज स्टेटस ऑन होल्ड देन अप्लाई। ओके, सो लोड हो रहा है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे आके 995 हर्षा यादव का जो स्टेटस है वो ऑन होल्ड हो गया है, पैबली कनेक्ट ने डिटेल्स कैप्चर की के नहीं इसकी। सो अभी यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबॉक रिस्पांस ही आ रहा है। अभी हम कम से कम 10 से 15 सेकंड का वेट करेंगे यहाँ पे रिस्पांस कैप्चर होने के लिए। ओके, 10 से 15 सेकंड हम यहाँ पे जो है होल्ड करेंगे, देखेंगे कि रिस्पांस आता है या नहीं। सो लगभग 15 सेकंड के बाद यहाँ पे रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है और सारी डिटेल्स आ गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेटस अपने हमने ऑन होल्ड किया था, जो ऑर्डर आईडी थी वो थी 54995। ओके, और भी नीचे डिटेल्स हमें मिल जाएंगी, ऑर्डर था हर्षा यादव का, एड्रेस वगैरह उनका, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, सारी की सारी डिटेल्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो है कैप्चर कर ली हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिटेल्स कैप्चर करी हैं पैबली कनेक्ट ने, ऑन होल्ड पे गया है हमारा, होल्ड पे गया है वाला ऑर्डर, तो ये मेरी स्प्रेडशीट में जो अभी प्रोसेसिंग पे दिखा रहा है ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे भी ऑन होल्ड लिखा जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो प्लस बटन पे क्लिक करके एक और एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा गूगल शीट्स को, क्योंकि मैं गूगल शीट्स में ही अपडेट करना चाहता हूँ वैल्यू। एंड एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा लुकअप स्प्रेडशीट रोज़ को, क्योंकि गूगल शीट्स पहले जाके देखेगा कि किस गूगल शीट्स में पैबली कनेक्ट जाके देखेगा कि पहले किस गूगल शीट्स के अंदर कौन सी रो अपडेट करनी है, दैट्स व्हाई मैंने चूज़ किया लुकअप स्प्रेडशीट रो। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे, देन गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा जिस गूगल अकाउंट में वो गूगल शीट मौजूद है ना। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, डोंट वरी पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है, कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आइए सेलेक्ट स्प्रेडशीट की, तो यहाँ से स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या नाम है, वू कॉमर्स ऑर्डर स्टेटस चेंज, ये नाम है मेरी स्प्रेडशीट का, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करके सर्च कर लेता हूँ, तो ये आ गया मेरा स्टेटस। ठीक है, स्प्रेडशीट इसको चूज़ कर लिया मैंने सक्सेसफुली सेलेक्ट स्प्रेडशीट में जाके, देन सेलेक्ट शीट के अंदर चूज़ शीट वन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, क्योंकि एक ही शीट है ना, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, दैट्स व्हाई वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है। देन लुकअप कॉलम, ओके, सो यहाँ पे हमें कॉलम जो है ऐड करना है कि किस कॉलम के अंदर जो है देखना है जाके गूगल शीट को, वो बताना है हमें। सो कॉलम जो है हमारा वो है ए, है ना, मैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पे जो है अपडेट करूँगा रो को, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस को। सो लुकअप कॉलम जो रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा ए,
ठीक है, और लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी ऑर्डर आईडी। सो यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी जो है वो मैप करना होगी, मैन्युअली नहीं लिखना होगी, मैप करना होगी। मैप एक टेक्निक है मैप करना, जिससे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में या कहीं और सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारी क्या है इधर, क्या मांग रहे हैं हमसे, लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू के अंदर हमें ऑर्डर आईडी डालनी है। ओके सो ये रही ऑर्डर आईडी। ओके सो ये वाला डेटा हमें यहाँ पे ऐड करना है। कैसे करेंगे, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आया ऑर्डर वूकॉमर्स का, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है, ये रही आईडी, क्लिक करके ऐड कर दिया, सिंपल। देन इसको ट्रू रहने देना है, देन इसको टॉप पे रहने देना है, क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो हमें उस रो की सारी डिटेल्स जो है कैप्चर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिल गई है, नाम मिल गया है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर मिल गया है, रो इंडेक्स भी मिल गया है ना। रो इंडेक्स मतलब मीन्स हमारा कौन सी रो है, तो ये सेकंड रो है, इसलिए हमें यहाँ पे मिल गया सेकंड, ठीक है। प्रोसेसिंग में है, ठीक है, यहाँ पे अभी ऑर्डर क्योंकि गूगल शीट्स में लिखा है प्रोसेसिंग, दैट्स वाई यहाँ पे प्रोसेसिंग शो हो रहा है, जबकि हम इसको वूकॉमर्स में होल्ड पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम अपडेट करेंगे। अब हमें रो मिल गई है, हमें कॉलम मिल गया है, किस कॉलम में अपडेट करना है, सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेकेंड एप्लीकेशन में जाएंगे, हमारी लास्ट एप्लीकेशन जो है दोबारा से हम चूज़ करेंगे गूगल शीट्स को। देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे हमारा अपडेट रो को। ओके अपडेट रो चूज़ कर लिया, देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन एक बार कनेक्शन कर चुका हूँ, पुराने कनेक्शन का यूज़ करूँगा, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके हो गया कनेक्शन। ओके फिर से स्प्रेडशीट चूज़ कर लूँगा, यहाँ पे क्या नाम है स्प्रेडशीट का, वू कॉमर्स ऑर्डर स्टेटस चेंज। ओके सेलेक्ट शीट के अंदर शीट वन बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि एक ही शीट है। देन अब रो इंडेक्स हमें यहाँ पे मैप करना है, जैसा कि आपने देखा यहाँ रो इंडेक्स हमें मिला है, सो ये रो इंडेक्स हम यहाँ पे मैप कर देते हैं, ठीक है। कायरो इंडेक्स ये रहा, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। ऑर्डर आईडी इसी तरह से मैप कर देते हैं हम, ऑर्डर आईडी हमारी वूकॉमर्स से ये रही मैप कर दी, सिंपल। ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे हम मैप कर देंगे वूकॉमर्स से, ठीक है। कहाँ है हमारा ऑर्डर स्टेटस, स्टेटस ये रहा ऑन होल्ड, मैप कर दिया, सिंपल। फर्स्ट नेम इसी तरह से मैप कर देंगे हम, हर्षा वूकॉमर्स से मैप करेंगे। ओके फर्स्ट नेम हर्षा, लास्ट नेम यादव, ईमेल सर्च कर लेंगे, ईमेल ये रहा ईमेल, सिंपल। मोबाइल नंबर फोन ये रहा, ठीक है मैप कर दिया। अब क्लिक करूंगा जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये रो जो है ये अपडेट हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने, सो जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पांस रिसीव्ड हो गया, और चल के चेक कर लेते हैं वहाँ पे रो अपडेट हुई कि नहीं। सो यस यहाँ पे ऑन होल्ड हो गया है ऑर्डर स्टेटस ऑटोमेटिकली, है ना। हमने मतलब अपना ऑटोमेशन सेट कर दिया, जस्ट सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑटोमेशन रन करता रहेगा, सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा। क्या करेगा सॉफ्टवेयर, कि जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर आपके वूकॉमर्स के अंदर अपडेट होगा, तो आपका पैबली कनेक्ट जाएगा आपकी गूगल शीट्स के अंदर, देन वहाँ पे लुकअप स्प्रेडशीट रोज करेगा, वहाँ पे जाके देखेगा कि कौन सी जो है रो है, कौन सी स्प्रेडशीट है, देन जो स्प्रेडशीट जो रो के अंदर उसको डेटा अपडेट करना होगा यहाँ पे आएगा और रो को अपडेट कर देगा, जैसे कि यहाँ ऑन होल्ड कर दिया है। अभी अगर मैं कोई दूसरे ऑर्डर को यहाँ से प्रोसेसिंग पे कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग पे हो जाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने जो ऑटोमेशन है वो सेट कर दिया है, है ना। जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट पे यूज कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहाँ दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।